बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 19 सितंबर को गणेश जी की स्थापना होगी। गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर यदि आप अपने घर में बेशुमार दौलत चाहते हैं तो इस एक उपाय को अवश्य करें। 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी उत्सव शुरू हो रहा है, जो कि हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। गणेश उत्सव भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है, जिसे गणेश विसर्जन भी कहते हैं। बप्पा के जन्म उत्सव को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धिदाता कहा जाता है। गणेश चतुर्थी पर विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है, साथ ही उपाय करने से संकट भी दूर होते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि गणेश चतुर्थी पर आप कौन से उपाय कर सकते हैं। बेशुमार दौलत पाने और हमेशा धन बनाए रखने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को एक सुपारी, कुछ चावल के दाने और एक श्रीयंत्र भेंट करें। आप पूजन के बाद इन चीजों को अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। कहते हैं ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और स्थायी रूप से माता लक्ष्मी घर में विराजमान होती है। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है, तो इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो छुटकारा पाने के लिए गणेश जी को 2 लौंग आप अर्पित करें। अब रोजाना 1 लौंग को अपने मुख में रखकर जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश मंत्र का 21 बार आपको उच्चारण करना है। ऐसा करने से घर में कलेश समाप्त होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। अगर किसी के घर में बुरी शक्ति का वास होता है तो इसे दूर करने के लिए गणेश जी की मूर्ति व तस्वीर के सामने 1 सुपारी को रखें, वही सुपारी जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं। अब ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। अब प्रत्येक मंत्र उच्चारण के बाद सुपारी में क्या करना है, आपको फूंक मारना है। अब इस सुपारी को अपने प्रवेश द्वार पर लाल व पीले कपड़े में बांधकर आपको टांग देना है। इससे घर में जो भी बाधा है वह दूर होती है। अगर कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो गणेश जी के सामने 2 इलायची, 2 पूजा वाली सुपारी रखें और जब भी कभी किसी कार्य के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो तो भगवान को यह भेंट की गई इलायची और सुपारी अपनी जेब में रख लें। ऐसा करने से आपका वह काम बन जाता है। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन एक पीले कपड़े में 1 सुपारी रखें। अब गणेश जी के साथ सुपारी में भी कुमकुम लगाएं। अब गणपति का ध्यान करें, इसके बाद इसमें थोड़े चावल छिड़कें। इसके बाद कपड़े को लपेटकर अपनी तिजोरी या पैसों वाली जगह पर आपको रख देना है, इससे धन में वृद्धि होगी। यह 5 उपाय में से कोई भी आप 1 उपाय अवश्य करें, आपके घर में बेशुमार धन आएगा। धन्यवाद दर्शकों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।